हमारे आसपास कई ऐसे चेहरे होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते। अब ये समझिए कि हम उन्हें ध्यान देने लायक नहीं समझते, क्योंकि हमारी जिंदगी में वो कहीं मायने नहीं रखते। तो जहां आजकल फायदे की बात आती है, हम उधर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, ना कि आसपास हो रहे वातावरण देखकर, लोगों की आंखों में उनके अंदर की छुपी हुई परेशानियों को जायजा लेते हैं। क्योंकि हम सबने अपनी परेशानियों के अलावा दूसरों की परेशानियों को देखने का झंझट ही खत्म कर दिया है। हमने अपनी ही परेशानियों को एवरेस्ट के जितना लंबा चौड़ा मान लिया है कि बगल वाला अब हमें दिखता ही नहीं। खैर, ये तो आजकल के इंसान की सोच के साथ साथ खून में ही घुस चुका है कि उनसे ज्यादा परेशान आत्मा इस संसार में कोई नहीं है। भगवान ने ही जाने उनके ही ऊपर समस्याओं का मार लाद दिया है। लेकिन इन्हीं भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम एक शख्सियत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते, जो अक्सर हमारी व्यस्त जिंदगी में हमसे टकराता है। हर सुबह की तरह मैं अपने रोजमर्रा कार्यों को निपटाकर ऑफिस की ओर निकल पड़ा। मेरी आदत थी चाहे ऑफिस में 10 मिनट लेट हो जाए, लेकिन ऑफिस के नीचे लगे टी स्टॉल वाले ठेले के यहाँ जाकर एक एक कटिंग जरूर पीना होता था। क्या है कि चाय को हमारे भारत देश में एनर्जी ड्रिंक मान लिया गया है, तो ऑफिस में जाने से पहले हम एनर्जी ड्रिंक को पीते हैं। हालांकि लेट आने पर हमें कई बार डांट भी सुननी पड़ती है, लेकिन हमने अपने घर से जल्दी निकलने का प्लान भी बना लिया, परंतु चाय छोड़ने का तो हमने सोचा ही नहीं। खैर, ये हमारा रोजाना का था, तो रोजाना के अनुसार मेरी घरेलू परेशानियां उस चाय को पीते पीते याद ही आ जाती थी। लेकिन उसी समय हमारी जिंदगी का खास हंसता मुस्कुराता चेहरा खिलकर मेरे सामने आ जाता है। कभी कभी तो मैं अपनी परेशानियां बड़बड़ा रहा होता हूँ और वो हंसता हुआ चेहरा मुझे देख रहा था। मुझे लगा वो मुझे देखकर मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करेगा कि भगवान इसका कष्ट काट दे, बेचारा कितना तो परेशान है। लेकिन नहीं, मैं सरासर गलत हूँ। मैं फिर भूल गया कि आज के समय में लोग अपनी ही परेशानियों को पहाड़ मानते हैं और दूसरों की दिक्कत को मामूली सा। मैंने चाय खत्म कर ली और जाने ही वाला था, आवाज आई, साहब एक छोटा सा हाथ मुझसे मेरे द्वारा पिए गए ग्लास को मांग रहा था। मैं सब भूल के ये सोचने लगा कि ये छोटू मेरी परेशानियों को नहीं सुन रहा था, बल्कि ये सब मेरी चाय खत्म होने का इंतजार कर रहा था। मैं ऑफिस की ओर जा रहा था, लेकिन मेरी आंखों में उस छोटू के काम की तल्लीनता को देख रहा था। किस तरह छोटू अपने काम को उत्साहित होकर कर रहा था। मैंने आज छोटू को पूरी तरह ध्यान से देखा था। पिछले 3 महीने से मैं इनके यहाँ चाय पी रहा था, लेकिन आज तक उस छोटे से बच्चे पर मैंने ध्यान नहीं दिया और ना कभी उससे नजर मिलाई। हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, बस जरूरत के हिसाब से मेरी बाइक खड़ी करते ही वो मेरे लिए कटिंग चाय लेकर आ जाया करता था। समय कम होने की वजह से मैं ऑफिस चला गया और मैं आपको बता दूं, अपनी कर्मभूमि पहुंचते ही मैं भी अपने काम के प्रति एकदम तन मन से लग के कार्य करता हूँ, लेकिन मेरे दिल दिमाग में उस छोटू को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। कभी कभी मैं ऑफिस के काम को लेकर इतना आलसी हो जाता हूँ कि लगता है सब छोड़ कर कहीं दूर भाग जाऊं, लेकिन फिर याद आती है मेरी घरेलू दिक्कतों की, जो मेरी ताकत बनकर मेरा काम करने की शक्ति को और बढ़ा देती है। उधर वो छोटू, ना जाने कौन सी परेशानी थी उसकी इतनी छोटी सी जिंदगी में, जो कलम पकड़ने वाली उम्र में उसने झूठे ग्लास पकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर ये मजबूरी है तो मेरी परेशानियां छोटू की परेशानियों से मजा रत्ती भर भी नहीं, और मैं फिर भी उन रत्ती भर परेशानियों को पहाड़ समझकर सबको बताकर सबसे सहानुभूति लेने की कोशिश करता रहता हूँ। ऑफिस का लंच हुआ, मैंने लंच खत्म करके मैं छोटू से मिलने की ख्वाहिश लेकर नीचे गया, चाय की दुकान पहुंचा। छोटू उसी तरह चेहरे में बिना थकावट लिए काम करने में जुटा हुआ था। मैं छोटू के पास पहुंचा, उसको बुलाया। छोटू उसी तेजी से मेरे पास आया और बोला, बताइए साहब। मैंने बोला, तेरा नाम क्या है? शर्मा के छोटू बोला, रोहित। मैंने हंस के पूछा, पूरा नाम क्या है तुम्हारा? रोहित। मैं मुस्कुरा कर बोला, पढ़ाई किया है? और तेरा निजी घर कहाँ है? ये दुकान में कैसे आया? छोटू बोला, साहब मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है और मेरा जन्म कहाँ हुआ मुझे ये भी नहीं पता। बोलो ना साहब, आपको मुझसे क्या काम है? उसकी आंखों में साफ दिखाई पड़ रहा था कि वो अपने काम के लिए कितना प्रेरित है। वो मुझसे बातें खत्म करके बचे हुए ग्लास धोकर दोपहर वाले खाने के बारे में सोच रहा था और मैं उससे बात करने की सोच रहा था। आखिर मैं क्यों उससे इतना बात करना चाहता था? लेकिन मेरे अंदर उससे बात करने एक फायदे वाला सौदा जैसे ही था। मैं बस ये जानना चाहता कि वह इतनी परेशानियों के बाद भी इतना खुश कैसे रहता है, खुशी की वजह कहां से लेकर आता है कि उसके चेहरे से ये मुस्कुराहट जाती ही नहीं। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, पैसा मन की खुशी नहीं खरीद सकता, और आज मुझे बस मन की खुशी चाहिए जो इस छोटू यानी रोहित बाबू के अंदर है।
शायद ही कोई अमीर से अमीर इंसान को इतना काम और परेशानियों के बाद भी कुछ रहने की टेक्निक पता हो। खैर, मैं किसी से उसकी मुस्कुराहट छीन तो नहीं सकता, लेकिन बस सच तो यह है कि उस छोटू को भी नहीं पता कि मेरी नजर में वो दुनिया का कितना बड़ा आदमी है। मेरे मन की कल्पना से मैंने उसे करोड़पतियों और अरबपतियों की गिनती में शामिल कर लिया था। खैर, ये छोटी सी कहानी के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहता था कि खुश रहने की कोई वजह नहीं होती और खुश रहने वाला ही मनुष्य सबसे अमीर है। कोई रुपया उसका मोल नहीं लगा सकता। तो अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमें इस वीडियो के प्रति आपके बहुमूल्य विचार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।